नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। कहते हैं, किसने तुमने को रोका, किसने तुमको रोका, तुमने खुद को रोका। भर साहस उठा कदम, फिर ना मिलेगा मौका, फिर ना मिलेगा मौका। मित्रों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका टॉपिक है, कई छोटे छोटे टॉपिक पे का कंपाइलेशन है जिससे एग्ज़ाम पे अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वाटर हैमर। वाटर हैमर क्या होता है, देखिए, जब किसी पाइप में वाटर का अथवा किसी फ्लूड का फ्लो हो रहा होता है और यदि उसमें कोई एक वाल्व लगा हुआ है और उस वाल्व को हम बंद करते हैं, तो जो वाटर का, मान लीजिए वाटर का जो मास है वो यम है और उसकी वेलोसिटी भी है, तो उसका जो मोमेंटम होता है वो यम इंटू वी है, वो है। और यहाँ पर जैसे हम वाल्व बंद कर देते हैं और अगर सडनली इसका वाल्व बंद किया जाता है, सडनली ध्यान रखिए सडनली, तो इसकी क्या है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक, तो इसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू होता है फोर्स। ठीक, अब देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मोमेंटम में चेंज, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम कितना है इसका, ज़ीरो हो जाता है। और इनिशियल मोमेंटम क्या है, यम इंटू वी है। मान लीजिए कि ये टी समय में बंद होता है, तो यदि हम इसकी सिर्फ मैथमेटिकल या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ले ले तो ये हो जाएगा यम इंटू वी अपॉन टी हो जाएगा। लेकिन जब इसको सडनली बंद किया जाता है, यदि हम कोई वाल्व को सडनली बंद कर रहे हैं, मतलब उसमें जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, टी इज अप्रॉक्सीमेट जीरो अगर हो जाए, मतलब बहुत तेज़ी से बंद कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो जाएगा, ये लगभग इन्फिनिटी हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ये होता है फोर्स, फोर्स बराबर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक, तो क्या होगा, यदि हम किसी वाल्व को सडनली बंद कर रहे होंगे तो उसमें क्या है, एक फोर्स जनरेट होगा जिसे कहेंगे प्रेशर फोर्स। तो क्या होगा, जैसे हम इसको बंद करेंगे तो यहाँ प्रेशर फोर्स जनरेट होगा जो फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसको हम थोड़ा सा बड़ा बना के दिखा रहे हैं, तो मान लीजिए कोई पाइप है, इसमें यहाँ वाल्व लगा, इसको हमने सडनली बंद कर दिया, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर फोर्स जनरेट हो जाएगा, प्रेशर फोर्स होगा जो प्रेशर फोर्स के क्या कहते हैं, वेव्स जनरेट हो जाएंगी। और ये वेव्स क्या हैं, लगातार इस डायरेक्शन में जाएंगी और इस हाई प्रेशर वेव के कारण इस पर क्या है, पाइप की जो दीवारों पर है लगातार एक बल क्रिएट होगा। ठीक, ये वेव्स इधर जाएंगी, फिर वापस लौट कर भी आकर के इस पर भी टकराएंगी, तो बार बार क्या है, वाल्व पे उसकी दीवारों पर बार बार टकराएंगी। तो जैसे हम लोग क्या है, किसी सतह पर हैमर का वार करते हैं तो ढक 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 लगातार हैमर की आवाज़ आती रहती है, तो ये जो फिनोमेना कहलाता है, ये कहलाता है वाटर हैमर। ठीक, तो वाटर हैमर कहलाता है। अब देखिए, क्यों इसको वाटर हैमर लगातार, ये बहुत ही पावरफुल होता है। ठीक, ये आपको ऐसे लगता है किसी पाइप में थोड़ा सा कितना प्रेशर उत्पन्न कर, नहीं, जब काफ़ी हैवी बड़े पाइप्स होते हैं, उसमें बड़े वाल्व्स होते हैं, उन सडनली बंद किया जाता है, तो उसमें ये वाटर हैमर की कंडीशन आ जाती है। इस वाटर हैमर में क्या होता है, इसमें ये जो प्रेशर वेव्स बहुत तेज़ी से जनरेट करती हैं, बहुत तेज़ी से इस पर फोर्स मारती हैं, क्योंकि मास है और जिस वेलोसिटी से बढ़ रहा है उस पर ये डिपेंड करता है। तो जो प्रेशर फोर्स होती है, इसके कारण इस पे नॉकिंग होने लगती है, वो जो बहुत ज़ोर से आवाज़ आने लगती है हैमर बुल की तरह, उसको बहुत हाई, वेरी हाई नॉकिंग कहा जाता है। और ये जो नॉकिंग की वेलोसिटी होती है, ये साउंड की वेलोसिटी की इक्वल होती है। नॉकिंग की वेलोसिटी क्या होती है, इक्वल टू साउंड वेलोसिटी, साउंड की वेलोसिटी की इक्वल इसकी वेलोसिटी होती है। तो साउंड की वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, साउंड की वेलोसिटी का फार्मूला मैं बता देता हूँ आपको। साउंड की वेलोसिटी का फार्मूला होता है v c, मान लीजिए c इक्वल टू अंडर रूट k
के बाई रो। ठीक, ये क्या होता है, साउंड की वेलोसिटी होती है। ठीक, साउंड की वेलोसिटी का फार्मूला होता है। ठीक, और यही वेलोसिटी इस प्रेशर वेव की वेलोसिटी का भी फार्मूला है। ठीक, क्यों, क्योंकि साउंड की वेलोसिटी से गति करती है। यहाँ पे के क्या है, के इक्वल टू बल्क मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड। ठीक, और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक, तो इस गति से, इस स्पीड से गति कर रही होती है। अब देखिए साउंड का वेलोसिटी फार्मूला ये है, ये याद कर लीजिए, कभी कभी इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई क्वेश्चन आ जाता है कि एक फ्लूइड है, एक फ्लूइड वन है, जिसमें साउंड की वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया हुआ है। ठीक, और उसकी डेंसिटी दी हुई है। ठीक, तो और एक दूसरा फ्लूट है, ठीक, उसमें क्या है, उसकी, उसमें वेलोसिटी पूछी है, साउंड की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक, और डेंसिटी दी हुई होती है। तो हम जानते हैं कि क्या है, इसको अगर सवाल सॉल्व करना, तो हम जानते हैं साउंड की वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√ρ। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि C1√ρ1 इक्वल टू C2√ρ2। अगर इस फार्मूले में हम लोग रख देंगे, C1 दिया हुआ है, ρ1 दिया हुआ है, ठीक, और वेलोसिटी दी है, डेंसिटी दी हुई है, और हमको ये वेलोसिटी निकालनी, मतलब सीधे सीधे ρ2 दिया हुआ है और C2 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो इस प्रकार के सवालों रख के हम लोग निकाल सकते हैं। अब हैमर ब्लो से अगर है हो रहा है पाइप में, तो इस कंडीशन से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक, इस कंडीशन से बचने के लिए क्या किया जाता है, इसमें एक सर्ज टैंक का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, सर्ज टैंक का यूज किया जाता है। सपोज ये पाइप है जिसमें यहाँ पर वाल्व लगा हुआ है, तो वाल्व से थोड़ी दूर पर क्या करते हैं, इस प्रकार एक छोटा सा टैंक लगा दिया जाता है। ठीक, जिसमें पाइप के प्रेशर के अनुसार वाटर फ्लो होता रहता है। तो जब इसको सडनली या फिर किसी तरह इसको बंद किया जाता है, तो उसमें जो प्रेशर वेव वापस आ रही होती हैं, तो इस प्रेशर वेव को क्या है, इस प्रेशर के कारण जो फ्लूड है, वो तो फ्लूड ऊपर की ओर इसमें से होकर के ऊपर भर जाता है इस टैंक में, और जब वापस ये फ्लूड जा रही होती हैं, तो फिर इसको सप्लाई कर देता है। तो ये कंटिन्यूसली क्या है, वर्क करता रहता है, जिसके कारण फ्लूड का वेस्ट भी नहीं होता है, और जब ज़रूरत होती है, और ये प्रेशर वेव्स आसानी से हम लोग डंप कर सकते हैं, मतलब प्रेशर वेव्स उतनी अधिक जनरेट, अधिक मात्रा में जनरेट नहीं होती है, और वाटर हैमर से हो जाता है। वाटर हैमर कभी कभी इतना खतरनाक भी होता है कि वाल्व को तोड़ भी सकता है और पाइप भी फाड़ सकता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमेशा कि कभी भी पाइप में वाटर हैमर की स्थिति उत्पन्न ना हो। ठीक, अब देखिए अगला जो टॉपिक है वो है लैमिनार फ्लो इन पाइप। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई पाइप है जिसमें फ्लो हो रहा है। ठीक, तो होता क्या है, जो पाइप की सबसे अधिक नज़दीक की दीवार होती है, ये सबसे अधिक रेजिस्टेंस ऑफर करती है, यानी शियर फोर्स का मान यहाँ ज़्यादा है, और जैसे जैसे शियर फोर्स का मान क्या सबका यहाँ से हम दूर आते जाते हैं, तो शियर फोर्स का मान घटता जाता है। तो यदि हम शियर फोर्स की प्रोफाइल इसमें बनाए पाइप के अंदर, तो वो कुछ इस प्रकार से बनती है, मतलब पाइप के सेंटर पे जो शियर फोर्स की वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है, और जो पाइप से एकदम नज़दीक होती है वो शियर फोर्स की वैल्यू वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, तो क्या होता है, जब लैमिनार फ्लो होता है, तो लैमिनार फ्लो में ध्यान रखिए कि शियर फोर्स की जो प्रोफाइल होती है वो इस प्रकार की ट्रायंगुलर प्रोफाइल होती है। यदि इसी प्रकार हम वेलोसिटी की बनाएं, तो वेलोसिटी क्या होती है, जो सबसे दीवार के अधिक सबसे नज़दीक होगा फ्लूड, वहाँ पर उसकी वेलोसिटी कम होगी, और जो जहाँ जैसे हम दूर जाते जाएंगे, तो वेलोसिटी क्या है, बढ़ती जाती है।
तो यदि हम इसका ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से हमको प्राप्त होता है। यानी कहने का ये है मतलब है कि ये जो प्रोफाइल है, वो प्रोफाइल जो होती है ये पैराबोलिक प्रोफाइल होती है। कैसी होती है? पैराबोलिक प्रोफाइल होती है। मतलब इसमें जो वेलोसिटी है वो सेंटर पे क्या होती है, इस जगह पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और किनारों वेलोसिटी क्या होती है, मिनिमम होती है। मिनिमम क्या होती है? वो लगभग ज़ीरो ही होती है, ठीक, ज़ीरो माना जाता है। अब देखिए जैसे जैसे हम लोग यहाँ से दूर जाते जाएंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, बढ़ती जाएगी, ठीक। अब देखिए मान लीजिए कि वी इसकी एवरेज वेलोसिटी है। वी क्या है? इसकी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? जो डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक। तो डिस्चार्ज कितना होगा? क्यू, और क्रॉस सेक्शन एरिया जो भी दिया वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाइप का ले लेंगे, ठीक। ये इसकी एवरेज वेलोसिटी है, ठीक। तो देखिए जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, वी मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है ये एवरेज वेलोसिटी की दो गुनी होती है जब पाइप के भीतर फ्लो हो रहा है, दो इंटू वी एवरेज, ठीक। ये ध्यान रख लीजिए, ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक। जब लेमिनार फ्लो इन पाइप में हो रहा है तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी के इक्वल होती है, ठीक। अब देखिए हमने बताया कि वेलोसिटी यहाँ से लगातार चेंज होती रहती है, तो ये एवरेज वेलोसिटी डायरेक्ट यहाँ निकाल लेंगे। लेकिन एवरेज वेलोसिटी पाई कहाँ जाएगी? एवरेज वेलोसिटी कहाँ होती है? एवरेज वेलोसिटी जो होती है जहाँ पर, देखिए यहाँ से अगर हम इसे देखें, मान लीजिए यहाँ से आर को लेते हैं, आर ऊपर की ओर बढ़ता है, तो आर एवरेज वेलोसिटी, ठीक, विल फाउंड एट कहाँ पाई जाएगी? जहाँ पर रेडियस आर इक्वल टू 0.707 ऑफ आर हो जाएगी। आर क्या है? रेडियस ऑफ पाइप, रेडियस ऑफ पाइप। ये छोटे छोटे फार्मूले हैं, ये याद कर लीजिए, ये एग्ज़ाम में बहुत आते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन तो बहुत पूछा गया है, इस पर छोटा सवाल भी बना देते हैं। क्या करते हैं, क्यू दे देगा आपको, ए दे देगा, और उसके बाद पूछ लेगा मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, या सीधे सीधे प्रोफाइल बना देगा, ठीक। तो इस तरह से इसमें से लेमिनार फ्लो इन द पाइप, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं अगला है। अब मान लीजिए अब अगला है लेमिनार फ्लो बिटवीन प्लेट्स। मान लीजिए दो प्लेट्स, अभी जो हम थे वो पाइप थी, ये दो प्लेट्स हैं और इसके बीच में फ्लो हो रहा है, ठीक, इसके बीच में फ्लो हो रहा है, ओके। तो अब ये फ्लो है तो इसमें देखिए, इसमें वही कंडीशन होगी, दीवारों के पास फ्रिक्शन ज़्यादा होगा या शियर फोर्स ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे हम लोग दीवारों से दूर जाएंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगा या विस्कस फोर्स कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, शियर फोर्स का कैसा होगा भाई, ट्रायंगुलर शेप ही इसका भी आएगा, ट्रायंगुलर शेप। मतलब दीवारों के पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और जो प्लेटों के बीच बीच में वहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, या कहें क्या है, अप्रोक्स ज़ीरो हो जाएगी, ठीक, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग इसको क्या करेंगे, कर सकते, देख सकते हैं कि इसका इसका प्रोफाइल कैसा, इसका प्रोफाइल भी कैसा होगा, पैराबोलिक ही होगा। कैसा होगा? पैराबोलिक, ठीक, इसका प्रोफाइल पैराबोलिक ही होगा। बस इसमें यह ध्यान रखना है, इसमें जो बी एवरेज होगा, या ये कहें जो वी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, वो एवरेज वेलोसिटी की 1.5 टाइम्स होगी, ठीक। जो एवरेज वेलोसिटी है उसकी 1.5 टाइम्स इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक।
तो इसमें भी वही है, जैसे बीच में क्या होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, जैसे जैसे हम लोग इससे दूर जाते जाएंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक, बस इसमें इतना याद रखना, बाकी वही फार्मूले हैं जो इसके पहले उन्होंने लैमिनार फ्लो के लिए पढ़े हैं, उसी तरह इसका भी होगा। ठीक, अब देखिए, अगर मान लीजिए इसमें क्या है, दोनों प्लेटें आपस में फिक्स हैं। ठीक, तो यदि मान लीजिए कोई फ्लो इस प्रकार का है, जिसमें नीचे की प्लेट तो फिक्स है लेकिन ऊपर की जो प्लेट है वो फ्लो के साथ बह रही है, मतलब इसके में भी एक प्रकार की एक वेलोसिटी है, मतलब इसमें भी वेलोसिटी है, प्लेट में भी वेलोसिटी है और फ्लो में वेलोसिटी है ही है, तो इस प्रकार का जो फैलाव फ्लो होता है इसको कहते हैं कॉटी फ्लो। क्या कहते हैं? कॉटी फ्लो। ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि इस प्रकार का फ्लो जिसमें नीचे प्लेट फिक्स होती है तो ऊपर की प्लेट फ्लो के साथ फ्लो कर रही होती है, तो इस प्रकार फ्लो क्या कहते हैं, इस प्रकार के फ्लो को कहते हैं कॉटी फ्लो। देखिए अगला है पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप्स। ओके, देखिए मान लीजिए कभी कभी पावर की पानी की पाइप की सहायता से हम लोग पावर का भी ट्रांसमिशन करते हैं। सपोज किसी टैंक से ये पाइप जुड़ी हुई है और इसके थ्रू हमने पावर का ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो मान लीजिए जो इसमें फ्लूड है उसकी डेंसिटी रो, ठीक, इसमें का डिस्चार्ज क्या है क्यू, ठीक, और ये जो हेड इसको मिल रहा है, मान लीजिए इस हेड तक लिक्विड भरा हुआ है, तो इसको जो हेड मिल रहा है वो अगर एच है तो पावर ट्रांसमिटेड बाय द पाइप क्या होगा, पावर ट्रांसमिटेड बाय पाइप इक्वल टू हो जाता है, इसका सीधा सीधा एक फार्मूला है आप लोग याद कर लीजिए, रो क्यू जी एच। ठीक, तो पावर ट्रांसमिटेड बाय पाइप क्या हो जाता है, रो क्यू जी एच। ये क्या है, आइडियल फ्लो है। ठीक, लेकिन वास्तव में क्या है, ये पावर एक्चुअल, मतलब एक्चुअल में कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। ठीक, पावर ट्रांसमिट पी आइडियल कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि एच एल क्या है, हेड लॉस बीच में हो जाता है। ठीक, तो मान लीजिए कि पूरा जो एच है वो पूरा हेड लॉस ना मिला, उसमें जो हेड लॉस है वो स्मॉल एच एल है, तब एक्चुअल में कितना पावर ट्रांसमिट होगा, जो एक्चुअल में पावर ट्रांसमिट होगा वो इक्वल टू हो जाएगा रो क्यू जी इंटू एच माइनस एच एल, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक, और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो, देखिए क्या होगी, एफिशिएंसी होती है एफिशिएंसी ऑफ पावर, ठीक, पावर ट्रांसमिशन, ठीक, पावर ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी क्या होगी, ये इक्वल टू होगी, ठीक, पावर एक्चुअल अपॉन पी क्या है, आइडियल, आइडियल पावर सब आप कितना ट्रांसमिट हो रहा है और एक्चुअल में कितना हो रहा है, दोनों का रेशियो, तो इसके हो जाएगा रो क्यू जी एच माइनस एच एल अपॉन रो क्यू जी एच, इतना कैंसिल हो जाएगा, तो इसका फार्मूला आएगा एच माइनस एच एल अपॉन एच, एच मतलब टोटल हेड हो जाएगा आपका, एच इक्वल टू टोटल हेड और एच एल क्या है आपका, हेड लॉस, है ना। तो उससे हम लोग एफिशिएंसी का फार्मूला निकाल लेते हैं। ठीक, ओके, अब देखिए अगर हम डेरिवेशन करेंगे तो पाएंगे कि इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, जो मैक्सिमम एफिशिएंसी हो सकती है, इसकी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी हो सकती है वो 66.66% ही हो सकती है, वो भी कब, ये मैक्सिमम एफिशिएंसी इतनी होती है, और वो कब होती है, जब हेड लॉस जो है वो जो हेड लॉस है वो टोटल हेड का 1/3 होता है। क्या होता है, हेड लॉस टोटल हेड का 1/3 होता है। ठीक, तो इसमें से कभी कभी ये क्वेश्चन ये आ जाता है, फार्मूला ये आ जाता है और ये भी आ जाता है, तो पावर ट्रांसमिटेड थ्रू पाइप, इसमें बस यही छोटे छोटा ऐसा एक क्वेश्चन है। आइए एक सवाल हल कर लेते हैं आज हम लोग उस सवाल में। ठीक, तो पहले मैं सवाल बोर्ड पे लिख देता हूँ।
मैंने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा है, देखिए एक क्वेश्चन जो है इसमें आप लोग के कई चीज़ों का अभ्यास एक साथ हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन दिया है एन ऑयल ऑफ विस्कोसिटी 0.90 पॉइस एंड रिलेटिव डेंसिटी 0.9 इज फ्लोइंग इन अ पाइप ऑफ डायमीटर 100 mm एंड लेंथ 10 mm। ठीक, इफ 100 एंड लेंथ, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो व्हेन फ्लो चेंजेस टू टर्बुलेंट। ठीक, और इफ फ्लो इज कंसिडर्ड लेमिनार एंड इट इज फिलिंग अ टैंक ऑफ 100 kg कैपेसिटी इन 30 सेकेंड, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी इन द पाइप। ठीक, देखिए क्या है, सबसे पहले सबके सवाल पढ़ लीजिए, उसका मोटा मोटा डाटा नोट कर लीजिए। ठीक, लिखा है एन ऑयल ऑफ विस्कोसिटी 0.90 पॉइस, मतलब ऑयल जो है उसकी विस्कोसिटी, देखिए जब सिर्फ विस्कोसिटी टर्म लिखा है तो उसका मतलब है डायनेमिक विस्कोसिटी, तो म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी दी है 0.90 पॉइस। ठीक, और फिर लिखा है एंड रिलेटिव डेंसिटी, उसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी दी है 0.9, रिलेटिव डेंसिटी कितनी दिए हैं 0.9। देखिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इन डायमीटर ऑफ द पाइप 100 mm, तो पाइप का डायमीटर डी कितना दिया हुआ है 100 mm। ठीक, एंड लेंथ, लेंथ कितना दिया है, एल इक्वल टू दिया हुआ है 10 meter। ठीक, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो व्हेन फ्लो चेंजेस टू टर्बुलेंट, मतलब हमको वो वेलोसिटी निकालनी है, ठीक, जब व्हेन फ्लो चेंजेस टू टर्बुलेंट, मतलब फ्लो जो है वो क्या हो जाए, टर्बुलेंट हो जाए। ठीक, ये एक क्वेश्चन दिया है। ठीक, उसके आगे दिया हुआ है इफ फ्लो इज कंसिडर लेमिनार, यदि फ्लो लेमिनार होता एंड इट इज फिलिंग अ टैंक ऑफ कैपेसिटी 100 kg, मतलब 100 kg के टैंक को 30 सेकंड भर रहा होता, तो हमको पाइप के अंदर मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है। ठीक, देखिए पहले हम ऊपर का सवाल सॉल्व कर लेते हैं, फिर नीचे का सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक, ये दोनों अलग अलग सवाल हैं, ठीक, एक तरह से देख सकते हैं। अब देखिए हम ये इसमें क्या पूछे, व्हेन द फ्लो बिकम टर्बुलेंट, तो ये क्या है, एक रेनॉल्ड्स नंबर का क्वेश्चन है। हम जानते हैं फ्लो कब टर्बुलेंट होता है, फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट कब टर्बुलेंट होता है, जब रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू क्या हो जाती है, लगभग 4000 के आसपास पहुंच जाती है पाइप फ्लो में। ठीक, और हम जानते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर बराबर क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर होता है रो वी डी अपॉन म्यू। ठीक, तो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू कितनी है 4000। ठीक, रो, रो तो दिया नहीं है, देखिए रिलेटिव डेंसिटी दी है, अगर रिलेटिव डेंसिटी में हम 1000 बन जाता है, डेंसिटी बन जाता है क्या है, जब किसी भी ऑयल का, किसी भी फ्लूड का अगर रिलेटिव डेंसिटी दिया हो और उसमें हम 10^3 मतलब वाटर की डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाता है, उसकी डेंसिटी बन जाती है। डेंसिटी का मात्रक क्या होता है, kg पर मीटर क्यूब, तो इसको हम लोग उठा के यहाँ रख देते हैं, डेंसिटी की वैल्यू कितनी आ गई 0.9 × 10^3। ठीक, अब वेलोसिटी, वेलोसिटी हमको निकालनी है, तो वेलोसिटी की वैल्यू भी इंटू डी, डी का डायमीटर ऑफ द पाइप कितना दिया है 100 mm, इसको हम लोग मीटर में बदल लेंगे तो हो जाएगा 0.1 meter, तो हो जाएगा 0.1 अपॉन विस्कोसिटी म्यू, म्यू दिया हुआ है 0.90 पॉइस, पॉइस में दिया है ध्यान रहे, तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको हम लोग को, ये पॉइस किस में मात्रक, CGS मात्रक है, तो क्योंकि हम लोग सवाल किस में SI मात्रक में सॉल्व कर रहे हैं, तो किसको किस में बदल लेंगे, इसको बदल लेंगे हम लोग पास्कल सेकंड में, तो हम जानते हैं कि एक पॉइस में कितने पास्कल सेकंड होते हैं 0.1 पास्कल सेकंड होते हैं, तो ये हो जाएगा इतने पास्कल सेकंड। ठीक, तो इसमें हम लोग रख देंगे तो ये हो जाएगा इसकी वैल्यू 0.90 × 0.1, इसको सॉल्व कर दीजिए तो 0.9 से 0.9 कैंसिल हो गया, 0.1 से 0.1 कैंसिल हो गया, 10^3 से इसके 3 0 कैंसिल हो गए, तो V की वैल्यू कितनी आ गई, V इक्वल टू 4 meter per second। ठीक, इस तरह क्वेश्चन
बहुत आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक। अब यह ये आता कि वेन द फ्लो रिमेन्स, लेमिनार कब तक बना रहेगा, तो जब तक इसमें हम लोग रेनॉल्ड्स की वैल्यू 4000 या 2000 रख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं पाइप फ्लो में क्या है, जब तक इसकी वैल्यू 2000 बनी रहती है तब तक इसकी देख तब तक फ्लो कैसा होता है, लेमिनार होता है, ठीक। तो इस तरह से V की वैल्यू बराबर 4 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब हम लोग अगला इसके सवाल के आगे की भाग की ओर बढ़ते हैं, ठीक। अगला सवाल भाग जो है इससे अलग है, ठीक, यह कह सकते हैं दो क्वेश्चन को मिला के बनाया गया था। अब देखिए आगे जो दिया हुआ है, इफ़ फ्लो इज कंसिडर लेमिनार, यदि फ्लो को हम लोग क्या माने हैं, लेमिनार माने हैं, ठीक, और इट फिल्स अ टैंक ऑफ 100 kg कैपेसिटी इन 30 सेकेंड। मतलब कैपेसिटी क्या है, या क्या कहें कि कैपेसिटी कितनी है इसकी, फ्लो की कैपेसिटी क्या है, 30 kg in 30 सेकेंड, ओके। तो फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी, हमको वी मैक्सिमम निकालना है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले जान जाइए कि वी मैक्सिमम कैसे निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है आपका लेमिनार फ्लो इन पाइप का, लेमिनार फ्लो इन पाइप। लेमिनार फ्लो इन पाइप में हम जानते हैं कि वी मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है, 2 into V average, मतलब एवरेज वेलोसिटी का कितना होता है, 2 गुना होता है। और V average क्या होता है, V average होता है Q मतलब डिस्चार्ज अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक, ये होता है। तो देखिए इससे हमें पहले Q निकाल, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग Q चाहिए पड़ेगा। तो Q देखिए, Q जो होता है मीटर क्यूब पर सेकंड में होता है, लेकिन यहाँ पे Q किस में दिया है, केजी पर सेकेंड, तो इसको हमको पहले वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, देखिए वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम इक्वल टू होता है क्या, मास अपॉन डेंसिटी, ठीक, ओके। अभी हमने पहले डेंसिटी निकाल ली है, तो डेंसिटी कितना निकाला था हमने, 0.9 × 10³ केजी पर मीटर क्यूब निकाला था ना, तो इससे वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा, मास दिया है 100 kg, ठीक, अपॉन डेंसिटी कितना हो जाएगा, 0.9 × 10³, ठीक। तो इस वॉल्यूम को उठा करके इसमें रख देंगे, डिस्चार्ज क्या होता है, मीटर क्यूब अपॉन सेकंड, मतलब वॉल्यूम अपॉन सेकंड। तो वॉल्यूम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 upon 0.9 × 10³, और सेकंड समय कितना दिया हुआ, 30 सेकंड upon 30। तो ये हो गया इसका डिस्चार्ज। अब इस डिस्चार्ज को हम लोग इसमें एवरेज वेलोसिटी में रख देंगे, तो वी एवरेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी एवरेज की वैल्यू क्यू मतलब क्यू अपॉन क्रॉस सेक्शन है, क्यू की वैल्यू कितनी है, 100 upon क्रॉस सेक्शन एरिया 0.9 × 10³³ into 30 / क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे निकलेगा, डायमीटर दिया हुआ तो एरिया निकाल लेंगे, तो जाएगा π/4 × d². देखिए mm में है तो इसको मीटर में लिखेंगे, 0.1 का स्क्वायर, ठीक। तो ये अपनी एवरेज वेलोसिटी होगी। हमको निकालना क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो हम जानते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी बराबर क्या होता है, 2 गुणते एवरेज वेलोसिटी। तो 2 गुणते एवरेज वेलोसिटी ये है, 2 × 100 / 0.9 × 10³³ into 30 / π/4 × 0.1 का स्क्वायर, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए सब सारे में इसका सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 2 × 100 upon 0.9 × 1000 × 30 upon × 3.14 है, ऊपर 4 चला जाएगा into 0.1 × 0.1
इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा गा। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए दो आपको बड़ा लग रहा हो तो ये एक छोटा क्वेश्चन, दूसरा छोटा क्वेश्चन ये है। देखिए इसका क्वेश्चन क्या है, ये सब कुछ इसी में था, बस आपको क्यू निकालना था, मेन इंपॉर्टेंट था। क्यू कैसे निकलेगा, के जी पर सेकेंड में, तो वो दिया हुआ है फ्लो, इसमें क्या दिया है 100 के जी पर सेकेंड, के जी को हम लोग वॉल्यूम बदल लेंगे, डेंसिटी दी हुई है, यहाँ से डेंसिटी निकल आएगी। ठीक, तो ये क्या है, यही छोटे छोटे इसी सवालों को तरह तरह से घुमा घुमा कर देते रहते हैं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलेंगे आपको। ठीक, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। ठीक, हमारी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक वाला बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए, जीत अवश्य आपकी होगी, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं।